नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कू क्लक्स क्लान इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, दरअसल उन पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही वो हिंसा भड़काई थी जो संसद भवन में हुई थी, वहां की यूएस कैपिटल में जो हिंसा हुई थी उसको उसके सूत्रधार जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे। और ये आरोप लगाया है डेमोक्रेटिक पार्टी के एक कांग्रेसी सदस्य बेनी थॉम्सन ने। उन्होंने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल में हुई हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्होंने उन पर 19वीं सदी के कू क्लक्स क्लान इस कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। और अब इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि ये कू क्लक्स क्लान जो है, ये आखिरकार है क्या, यह कानून कहता क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है। लेकिन इससे पहले यह भी जान लीजिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी सदस्य ने ट्रंप पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने वकीलों और अतिवादी समूहों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र करके सीनेट को राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को सत्यापित करने से भी रोका था, जिसमें वो जो बाइडेन से हार गए थे, उन परिणामों को सत्यापित करने से भी रोक दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल ये कू क्लक्स कानून 1871 का कानून है, बहुत पुराना कानून है। और इसका जो मकसद था वो अफ्रीकी अमेरिकियों में गरीबी उन्मूलन और उनको उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का इसका मकसद था। दरअसल कू क्लक्स क्लान अति दक्षिणपंथी घृणा समूहों का नाम है और ये एक गुप्त संगठन था जिसका उद्देश्य हिंसा और बल के जरिए अमेरिका में अश्वेतों को उनके अधिकारों से वंचित रखना था। यह संगठन अमेरिकी गृह युद्ध के बाद श्वेतों के प्रभुत्व को कायम करने के लिए काम करता था। और माना यह जाता है कि 1865 में अमेरिका के टेनेसी में पहले क्लान की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया था। सफेद कपड़े, मुखौटों के साथ ही शंकुआकार टोपी इनकी पहचान होती थी। 1870 और 71 में अमेरिकी सरकार ने 3 इन्फोर्समेंट कानून पारित किए थे। इन कानूनों के जरिए अफ्रीकी अमेरिकियों के वोट देने के अधिकार को सुरक्षित किया गया था। अश्वेत लोगों को सरकारी पद हासिल करने, साथ ही साथ न्याय व्यवस्था में नौकरी पाने और कानून के तहत बराबरी के अधिकार उनको मिले थे। इन कानूनों को कू क्लक्स क्लान एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप पर। देखते हैं आगे इस पूरे मामले पे क्या कुछ कार्रवाई उन पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने का।